अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरादाबादी यकनी पुलाव, आप इसे बिरयानी भी बोल सकते हैं। मुरादाबादी पुलाव बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने तेल गरम कर ली हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर लूँगी। ये मैंने मीडियम साइज के आलू ली थी, इसे हम बराबर फ्राई कर लेंगे। आलू को हम फ्राई कर लेंगे, हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए। तो हम फ्राई कर लेंगे आलू को। अब हम चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा आलू अब लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हम निकाल लेंगे। सारे आलू को हम निकाल लेंगे। आलू को मैंने निकाल ली हूँ। अब ये दो बड़े साइज की प्याज जिसे मैंने बारीक काट ली हूँ, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये पुलाव में प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ये यकनी पुलाव में हम प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, इसे हम पीस भी लेते हैं। ये पुलाव में प्याज का इस्तेमाल हम करेंगे ये फ्राई करके, क्योंकि ये मुरादाबादी पुलाव है जिसे हम बिरयानी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बिरयानी या पुलाव बन के तैयार होता है हमारा। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। थोड़ी सी प्याज को मैं इसमें से निकाल लूँगी, इसे थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाने पर प्याज को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे सारी प्याज को। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ गोल्डन। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैं डालूंगी, ये देख सकते हैं इसे हम डाल देंगे। इसमें मैंने एक चम्मच जीरा का यूज़ की हूँ, हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये कटी फूल, ये सब सारे खड़े गरम मसाले का इसमें हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसमें ये टमाटर मैं डाल दूँगी, दो बड़े साइज के टमाटर इसमें फ्राई स्टार्ट कर लूँ, इसमें डाल देंगे इस तरह कटा हुआ। दो मीडियम साइज के टमाटर ये जिसके मैंने इस तरह बारीक काट ली हूँ, इसको भी हम डाल कर इसे हम दो मिनट तक तेज आंच पर फ्राई करेंगे। हम घर तक दो मिनट तक पका लेंगे। दो मिनट हो चुका है, अब हम अपना टमाटर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा टमाटर अब फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद इसमें मैं ये चिकन डाल दूंगी। मैंने चिकन का आधा किलो चिकन का यूज की हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास इतना ही था इसलिए मैं तीन चिकन का पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैं आलू भी डाली हूँ, आप चाहे इसमें अंडा उबाल कर फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इसे मैं तेज आंच पर पकाऊंगी ढककर। अब हम अपना चिकन चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं कलर भी इसका मसाला कितना अच्छा आया है, गोल्डन कलर। अब इसमें मैं दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी बड़े चम्मच से, इसे भी हम डाल कर फ्राई कर लेंगे।
दो मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुका है, अब हम अपना चिकन चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन भी भून गया है, मसाले बहुत अच्छी आ रही है अभी से। अब इसके बाद जो इसमें मैं ये हरी मिर्च डालूंगी, चिली कटी इसे मैंने बारीक काट ली हूँ 7 से 8, और ये 3 से 4 हरी मिर्च इस तरह मैंने शीरा लगाकर कट कर ली हूँ डंठल के साथ, और ये तली हुई प्याज जिसे मैंने निकाल ली थी, और ये कड़ा पत्ता, ये सब मसाले एक साथ इसमें हम डाल देंगे। गैस को हम मीडियम आंच पर कर लेंगे, और इसके बाद इसमें 1 चम्मच ये गरम मसाला डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, बाकी कम लगेगा मुझे तो बाकी मैं बाद में डालूँगी चावल के साथ। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे, इसमें से हम चेक भी करेंगे। अब हम अपना चिकन चेक करेंगे, देख सकते हैं इसे 2 से 3 मिनट तक इसे मैंने पका ली हूँ। अब इसमें मैं बाकी का बचा हुआ भी मसाला डाल दूँगी, देख सकते हैं कलर कितना अच्छा मसाला बहुत ही बढ़िया आया है, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें मैं ये देख सकते हैं ये 2 चम्मच सौंफ का पाउडर है बड़े चम्मच से, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और ये बिरयानी मसाला है 1/2 चम्मच एवरेस्ट का, आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों मसालों को मैं चिकन में डाल दूँगी, इसे मैं डाल दूँगी। सौंफ का पाउडर डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं इसमें कड़ी सौंफ का यूज़ नहीं की हूँ, पाउडर का यूज़ की हूँ, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें मैं ये 2 कप पानी डाल दूँगी, मैंने ये कप से 1 कप चावल ली हूँ, उसका डबल मैं पानी इसमें डालूँगी। इसमें हम पानी डाल देंगे, इसमें मैंने 2 कप पानी का यूज़ की हूँ। अब इसके बाद इसमें ये तला हुआ आलू भी मैं डाल दूँगी, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। आप नमक यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, मेरा नमक बिल्कुल सही है। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी। ये देखिए पुलाव के लिए ये मैंने बासमती राइस का यूज़ की हूँ, ये देख सकते हैं। इसे मैंने धुलकर 1 से 1.5 घंटे तक पानी में रख दी थी, सारे पानी को अब मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए हमारा पानी अब पकने लगा है चिकन का, ये देख सकते हैं मसाला खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अभी से, बहुत ही बढ़िया आ रही है, देख सकते हैं। अब इसमें मैं ये सारा चावल डाल दूँगी। ये 1 गिलास मैंने चावल ली थी बासमती राइस, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चावल बिरयानी के लिए पुलाव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देख सकते हैं सारे चावल को मैंने डाल दी हूँ, अब इसे मैं पका लूँगी ये खोल कर 2 मिनट तक तेज आंच पर, ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए, पक जाए। इसे मैं धीमी आंच पर दम पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी, इसके बाद हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। अब इसे मैं तेज आंच पर पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। देख सकते हैं हमारा चावल अब पकने लगा है। अब इसमें मैं ये 1 लेमन का जूस डाल दूँगी,
एक बड़े साइज का लेमू था, मैंने इसमें दही का यूज़ नहीं की हूँ। आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले के साथ आप दही को भून लें, अगर जो आपको दही डालना हो। लेकिन ये बिना दही के भी पुलाव हमारा बढ़िया होगा। इसमें मैंने लेमू का यूज़ की, लेमू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। अब इसे मैं तेज आंच पर 2 मिनट के लिए और ढक कर पकाऊंगी। फिर इसे मैं 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी धीमी आंच पर। देखिए ये पानी सारा देख सकते हैं दम कम हो गया है, खुश हो गया है। अब इसे हम दम पे रख देंगे। अब इसमें हम ये धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे और ये हरी मिर्च जो मैंने इस तरह काट ली हूँ। ये मिर्ची ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना। थोड़ी सी और धनिया की पत्ती डाल दूँगी। अब इसमें ये तली हुई प्याज जिसे मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, इसे भी हम डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब इसमें मैं ये फूड कलर डाल दूंगी। मैं येलो कलर डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा डाल दूंगी। आपका मन करे डालें ना डालें, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी क्योंकि ये मुरादाबादी यखनी पुलाव है, ये बिरयानी स्टाइल पुलाव है। अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा डाल दूंगी, इससे हमारे पुलाव का टेस्ट और खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। अब इसे हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पुलाव लग रहा है। इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पे रख दूंगी, फिर इसे मैं सर्व कर दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं ये मेरे किचन के सामने का ये नज़ारा है, ये देख सकते हैं। यहाँ से हवा बहुत ही अच्छी आती है, ये देख सकते हैं। ये नीचे बिल्डिंग का काम हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है टूटकर, देख सकते हैं हवा कितनी बढ़िया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही, एकदम ठंडी ठंडी हवा देख सकते हैं। अब इसके बाद केवड़ा डालने के बाद अब इसमें मैं ये 1 चम्मच घी डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अब डालें या ना डालें, लेकिन इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे और इसे हम दम पर 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर इसे मैं सर्व करके बताऊंगी। हवा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है, ये देख सकते हैं कि ठंडी हवा आ रही है। यहाँ से ये किचन का देख सकते हैं हवा कितनी बढ़िया आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। और यहाँ मेरा पुलाव बन के रेडी हो रहा है, देख सकते हैं 10 मिनट में मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसे सर्व करके बताऊंगी। ये देखिए हमारा मुरादाबादी यखनी पुलाव बनकर अब तैयार है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है, देख सकते हैं। ये देखिए चावल कितना माशाल्लाह एकदम खिला खिला बना है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा पुलाव बना है, देख सकते हैं। अब इसे मैं सर्व करके बताऊंगी। ये देखिए हमारा मुरादाबादी यखनी पुलाव बनकर तैयार है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे मुरादाबादी यखनी पुलाव भी बोल सकते हैं, बिरयानी भी, जो भी नाम देना हो आपको आप इसका दे सकते हैं। ये देख सकते हैं चावल कितना बढ़िया एकदम खिला खिला बनकर हमारा तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है, हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा। सबको बनाकर खिलाएं मेरे तरीके से। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है, यखनी पुलाव।
मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।